आज हम लोगों के पास में क्या है? प्राचीन काल में हम लोगों के पास में क्या था वो तो बात चली गई, मध्ययुगीन काल में हम लोग कैसे रहे उस चीज को भी हम लोग बाजू में रख लेते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज हम लोगों के पास में क्या है। आज हमारा जो समाज है वो विश्व भर की समस्याओं से ग्रस्त है। आज हम लोगों के पास में वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पुरखों के पास में किसी समय में था। आज हम लोग धरातल के, पृथ्वी तल के सबसे गरीब गरीब समाज से हम लोग जो है संबंध रखते हैं या जाने जाते हैं। आज हम लोगों की पहचान क्या है? कुछ भी नहीं है। जिसे मन में जो आता है वो हमें नाम देकर चला जाता है। कोई हमको कहता है कि वनवासी कहता है, कोई आदिवासी कहता है, कोई आदिम कहता है, कोई शेड्यूल ट्राइब कहता है, कोई गिरिजन कहता है, कोई जंगल चिराजे कहता है, पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों की अस्मिता कहीं खो गई है। और इसलिए जब मैं किताबों को पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे आज़ादी से पहले जिन लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, चाहे जे एफ हैबिट हो, बॉमफुल्ड फुलर हो, एस डी संकालिया हो, कैप्टन फोर्सिथ हो, डी डी चैटर्टन हो, आर वी रसेल हो, हीरालाल हो, गियर्सन हो, वाई एम काड़े है, इस प्रकार के ये लोग जो है वो जब लिखते हैं हमारे बारे में, आदिवासियों के इतिहास के बारे में, तो वो लोग हम लोगों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और ये नाम सुन के बड़ी तकलीफ होती है। कोई बोलता है मूल निवासी है, कोई बोलता है आदिपुत्र है, कोई बोलता है वन पुत्र है, कोई बोलता है धरती के पुत्र है, कोई बोलता है लंगोटिया है, कोई बोलता है अरण्यक है, कोई वन्य जमाती कहता है, कोई जंगल का राजा कहता है। एग्जैक्टली हम है क्या? उसके बाद में भी ये यात्रा रुकी नहीं है, ये गलतियां पर गलतियां करती चली गई। आजादी के पहले लोगों ने लिखा, उसी को आजादी के बाद में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। 1947 से लेकर तो 70 के बीच में जिन्होंने भी किताबें लिखी है आदिवासी समाज के ऊपर में, मैंने पढ़ा है, वेरियर एल्विन हो, फ्यूरियर हिमेंड्राफ हो, सेतु माधोरा पगड़ी हो, लीला दुबे हो, एस एस सरकार है, या फिर स्टेपन फुक्स है, जी एस घुरिये है, इरावती कर्वे है, या डी एन मजुमदार है, ठक्कर बापा है, या बाबा साहब अम्बेडकर है, इन लोगों ने भी जो है अलग अलग प्रकार के नाम जो है हमारे समाज को दिए हुए हैं। कोई कहता है हम लोग आदिवासी है, कोई कहता है कि हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कोई कहता है आप लोग गिरिजन हो। एग्जैक्टली हम है कौन? उत्तर आधुनिक का जो समय है 1970 और 1995 के बीच का समय, इसमें भी कई सारे लोगों ने लिखा हुआ है। इन लोगों ने जैसे गोविंद गारी जी है, एडवर्ड रे है, दुर्गा भागवत है, विलास संघवे है, वेंकटेश आत्राम है, गोदावरी पारुड़ेकर है, भाऊ मांडवकर है, या फिर और भी कुछ लोग हैं, मोतीराम कंगाली जी हैं, इन लोगों ने थोड़ा सा जो है आदिवासी समाज के वास्तविकता को स्पर्श किया हुआ है। और वो हम लोगों को पहली बार जो है वो एक अलग प्रकार की पहचान देने की वो कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ आदिवासी या आदिम क्या होता है इनका डेफिनेशन वहां पर दिया हुआ है। उसके बाद में अभी अभी जो नजीक का भूतकाल है उसमें जो कुछ भी लिखा गया हुआ है, वो जिसमें डी डी कौशाम्बी है, या रामचंद्र गुहा है, पी एच मेहता है, आर एस मुरकुटे है, के एस सिंह है, संजय साड़ुंके है, ये अभी अभी जो फिलहाल लिखने वाले लोग हैं, इन लोगों ने कोई तूर कोया इस प्रकार का जो है वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये मायने रखता है हमारी अस्मिता में कि हम लोग अपने आप को किस नाम से पहले के समय में जानते थे, उसके बाद में उसमें क्या परिवर्तन हुआ। समय का ये फेर जो है हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाता है कि ये संक्रमण के समय में हम लोगों को अलग अलग लोगों ने किस दृष्टिकोण से पढ़ा, किस प्रकार के नाम से उन लोगों ने हमको जाना, इसके पीछे में कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में हमको लिखनी पड़ेगी या ढूंढनी पड़ेगी। और अगर नहीं लिखा है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के सारे मानकों को हम लोग अच्छी तरह से समझ कर उसको लिखें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है हम लोगों को नाम न रखे। और इसलिए जैसे कि मैं कह रहा था कि आज हम लोगों के पास में क्या है, तो आज हम लोगों के पास में, हमारे पुरखों के पास में जो कुछ भी था उसमें से कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कभी कभी मेरे दिल में कई सारे सवाल आते हैं कि इतिहासकार के रूप में हमको बहुत काम करना है और हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी कोशिशें जो है बहुत कम है, क्योंकि इतिहास इतिहास लिखना इतना आसान काम नहीं है। एक पीएचडी की थेसिस लिखने के लिए 5 साल लड़का कोई स्टूडेंट बिताता है, 2 साल के बाद में उसके बाद में अवार्ड होगा, तब कहीं जाके वो डॉक्टरेट की पदवी मिलती है, और उसके बाद में कोई विद्यापीठ, कोई विश्वविद्यालय उसके ऊपर में सिक्का मुरतब करता है कि यस दिस इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक एंड दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी।
ये समाज के हित के लिए उपयोगी है। इस प्रकार का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता तब तक वो जानकारी सिर्फ जानकारी रहती है और इसलिए इसमें बड़ी तकलीफ होती है। और जब मैं यही सारी चीज़ें कर रहा था तो मेरे स्टूडेंट के जो थीसिस मैंने उनको टाइटल्स दिए उसमें मैंने आदिवासी समाज के टाइटल्स देकर उनको पीएचडी करवाया। आज जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे गोंडवाना विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं और हम लोग सब जो है अलग अलग स्थानों में रहकर भी इतिहास के क्षेत्र में और आदिवासी इतिहास को ही हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जल्दबाजी में लिखने वाला काम नहीं है, इसकी जानकारी हमको है और इसलिए हम लोग जो है फास्ट फूड सर्व नहीं करते, हम लोग जो है बिरयानी बनाते हैं जिसको टाइम लगता है, समय लगता है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। रिसेंटली मेरे एक विद्यार्थी को मैंने जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर में भी जो है काम करवाया। जयपाल सिंह मुंडा जो है वो आधुनिक समय का प्रतिनिधित्व करने वाले, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जो है संविधान में काम करने वाला व्यक्ति रह चुका है, बहुत पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है, मुंडा जमाती का झारखंड का वो व्यक्ति जो है इंटरनेशनल लेवल पर बाहर जाके पढ़ाई करता है, भारत के हॉकी टीम का वो कप्तान रह चुका हुआ है, वो अफ्रीका में प्राचार्य करके रह चुका हुआ है, वो रायपुर का राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका आदमी है, भारतीय संविधान के निर्माण करते समय में वहाँ का एक सदस्य के रूप में वो काम कर चुका है, उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो प्राणदाता है। इस प्रकार के कई सारे कि कितने बार वो व्यक्ति सांसद रह चुका हुआ है और इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग आज आदर्श के रूप में समाज के सामने नहीं लाते, ये भी हमारी एक बड़ी विडंबना है। आज हम लोग जिनके आदर्श के रूप में लाते हैं उसमें लाठी काठी जो भी हमारे है, शक्ति का जमाना चला गया, आज लेखने का कलम का उसकी ताकत हम लोगों को दिखाने की ज्यादा जरूरत है। हमारे राजा महाराजा जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे लाठियों का काठियों का, तो उससे पहले के राजा तो हाथी घोड़ों से लेकर तलवार भाले और पता नहीं कैनन स्वैनन सब इस्तेमाल करते थे, तोपखाना उस समय में रखते थे, लेकिन उसकी आज हम लोगों को जरूरत नहीं है। आज शस्त्रों की नहीं शास्त्रों की जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग बुद्धिजीवी समाज के बीच में रहते हैं और इस बुद्धिजीवी समाज के साथ में अगर आपको लड़ाई लड़नी है, अपने अस्तित्व को टिकाए रखना है, तो आज हम लोगों को जो है शस्त्र नहीं शास्त्रों की जरूरत है। इस चीज को हम लोगों ने अधिरेखित करना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं जैसे कि पहले मेरे व्याख्यान में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग दो अलग अलग समुदाय को जो है एक साथ कभी कभी जोड़ देते हैं, एक राज्यकर्ता समाज और दूसरा जो है हमारा सामान्य जन, जिसकी संस्कृति का बखान हम लोग करते हैं, जिसके सामाजिक संरचना की हम लोग बात करते हैं, जिसके और भी कई सारे मूल्य हैं उनकी बात करते हैं। तो राजवंश चलाने वाले जिनको राजगोंड भी कहा गया हुआ है, राजगोंड एक ही है लेकिन राज क्यों जोड़ा गया, क्योंकि वो सत्ताधीश थे, राजा थे, सत्ता चलाने वाले लोगों को राजगोंड के नाम से अलग से उनको जाना गया, लेकिन वो अलग नहीं, वो हमारे ही बीच के लोग हैं। और इसलिए कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कई बार हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जंगलों में हैं, निसर्ग धर्म वगैरह कई सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जब इतिहास की तरफ में मैं देखता हूं तब मुझे लगता है कि हम लोग तो जंगलों में थे ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर कोई जंगल कहता है तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि वो तो एक नागरी संस्कृति थी, वहां जो जिस प्रकार की नगर रचना है, जिस प्रकार के सत्ताधीश हम लोग रह चुके हैं वो बहुत ही आधुनिक है, वहां किसी प्रकार का जंगली सभ्यता के जो है कोई चिन्ह जो है वहां दिखाई नहीं देते। वो नगर था जहां जो है 90 डिग्रीज में वहां के रास्ते कटते थे, नालियां दोनों तरफ बनाई जाती थी, वहां तीन चार मजलिया जो है इमारतें बनाई गई थी, हर इमारत के अंदर में कुआ हुआ करता था, हर इमारत में जो है टॉयलेट्स हुआ करते थे और हर इमारत में पता नहीं उनके जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे थे, रास्तों में जो है उस समय में लाइट की व्यवस्था की हुई थी। ये कौन सी नगरी और किस प्रकार की संस्कृति है? उसी प्रकार से जब मैं मध्य भारत के इन चार किंगडम को पढ़ता हूँ, गढ़ामंडला को जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं नागपुर को पढ़ता हूँ, जब मैं चांदा को पढ़ता हूँ और जब मैं खेरला को पढ़ता हूँ, तो ये कहीं जंगलों में बसे हुए मुझे दिखाई नहीं देते। और इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि हम किसी समय में मैदानों में थे, हम किसी समय में नागरी संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आदिवासियों को जो है जंगलों में जाना पड़ा और वहां जाने के बाद में हम लोगों का जो है संस्कृति बदल जाती है, जिसको आज हम लोग अपना कह रहे हैं, जिसको हम लोग जो है बड़े करीब से जानते हैं। तो क्या मैदानों में कोई ऐसा खतरा था?
जिसके कारण हम लोगों को अपनी अस्मिता बचाने के लिए हमारे जो पुरखे थे वो लोग मैदान छोड़कर जो है जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए। क्योंकि पहाड़ों में जंगलों में इंसान ऐसे ही नहीं जाएगा। पहाड़ और जंगल जो है वो किसी समय में सुरक्षा देने का भी काम करते थे। तो क्या ऐसा कोई षड्यंत्र था जो आदिवासियों को जो है उनके मैदानी हिस्सों से, उनके सुजलाम सुफलाम हिस्सों से उनको खदेड़ा गया होगा और इसलिए वो लोग जो है किसी जंगलों में चले गए होंगे? अगर जंगल में जाने के बाद में वो लोग निसर्ग संस्कृति की बात करते हैं, निसर्ग धर्म की बात करते हैं, तो क्या उससे पहले कोई और धर्म उन लोगों का रहा होगा? ये कई सारे सवाल जो है मेरे जहन में तैयार हो जाते हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। और इसलिए हम लोगों को मिलकर जो है इन सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा। जंगलों में जाने के बाद में लोगों ने शिकार और संग्रहण की व्यवस्था तैयार की। नगरों में जब तक थे तब तो उन लोगों ने शिकार नहीं किया होगा, तब उन लोगों ने जो है संग्रहण नहीं किया होगा। तो वो संस्कृति भिन्न कैसी और ये संस्कृति अलग कैसी? बड़ी विडंबना है। और इसीलिए बुद्धिजीवियों को इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तो हमको ये सोचना जरूर पड़ेगा कि शिकार संग्रहण करने से पहले हम लोग क्या करते थे? कहीं शिकार संग्रहण करने से पहले हम लोगों की संस्कृति सिंधु तो नहीं है? हम लोगों के लोग जो है वो गोंधन क्यों करते थे? उसके पीछे में क्या कारण है? कोई ना कोई शास्त्रीय कारण तो उसके अंदर में होगा। बिना शास्त्रीय कारण के कोई भी चीज कोई व्यक्ति नहीं करता। गोंधन की जो व्यवस्था है क्या ये पहले से थी या ये मध्ययुगीन समाज के समय में आई? अगर ये मध्ययुगीन इतिहास के समय में अगर आई है तो उसके पीछे में मकसद क्या था? उसके पीछे में क्या अपनी सेल्फ सुरक्षा, आत्मरक्षा करने का कोई दाव या कोई इस प्रकार का जो है दाव तो उस समय में नहीं था। कोई व्यक्ति अपने आप को जो है, हम लोग जब देखते हैं ना, ये जैसे कि गोंधन है या आदिवासियों के जो भी आभूषण वो लोग पहनते हैं, हम लोग उनको एस्थेटिक पर्पज से हम लोगों ने नहीं देखना चाहिए। एस्थेटिक पर्पज से अन्य समाज के लोग अपने आभूषण को तरफ देखते हैं, हमारे समाज में एस्थेटिक पर्पज से इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आदिवासी समाज में गोंधन हो, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं जंगलों में जब जाते हैं तो मास्किंग करते हैं अलग अलग प्रकार के, उस प्रकार से लोगों ने अपने आप को, यहाँ जो है लोगों के आक्रमण हुआ करते थे हमारे नगरों में, हमारे गाँव में आक्रामक लोग खूबसूरत लड़कियों को, महिलाओं को उठा कर लेके जाते थे। तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनसे बचने के लिए, अपने आप को विकृत दिखाने के लिए इस प्रकार की मास्किंग जो है गोंधन के रूप में किया गया होगा? हमारे आभूषण जो है वो अलग है, ट्राइबल आभूषण बहुत अलग है। तो क्या सिर्फ ये सौंदर्य बढ़ाने के लिए ही हम लोगों के पुरखे लोग इस्तेमाल करते थे या कोई उसके पीछे में और कारण था? और कारण था जिसको हम लोग नहीं समझ पाए हैं। ये हमारे सुरक्षा कवच थे। कैसे? पैर में जो पैजनी बहुत बड़ा डाला जाता है, गांव में आप लोग अभी भी देखते होंगे, उनके अंदर में बहुत सारे पत्थर जो है डाल दिए जाते हैं या फिर लोहे के छोटे मोटे टुकड़े, जिसके कारण वो जो आवाज करता है पैजन। हमारी महिलाएं तो संग्रहण करने के लिए जाती है, घास निकालने के लिए, उठाने के लिए जाती है, खेत में काम करती है, और उनके पैर के जब वो पैजन बजते हैं तो उनसे जो वाइब्रेशन निकलते हैं उस वाइब्रेशन के कारण जो है कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो क्या ऐसा शास्त्रीय दृष्टिकोण हम लोगों ने नहीं सिखाना चाहिए? हाथों के ऊपर में हमारे बहुत सारे महिलाएं जो है गढ़चिरौली के चंदागढ़ में, जहाँ का मैं हूँ निवासी, मुझे आज भी गर्व होता है उनके ऊपर में कि महिलाएं जो है जंगलों में जाती हैं, शहरों के लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमारे महिलाएं जो है खुलेआम चली जाती हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा कवच अपने साथ लेके जाती हैं। गले के अंदर में, गले के ऊपर में डाला जाने वाला जिसको सूता कहा जाता है गोंडी में, वो इतना मोटा होता है कि उसके ऊपर में अगर किसी ने तलवार से भी वार किया तो भी उसकी गर्दन नहीं कटने वाली। उसी प्रकार से ये हाथ से लेकर तो यहां तक गोल गोल बहुत सारे रिंग्स डालने की हम लोगों के अंदर में परंपरा है गांव में। इस रिंग को अगर किसी रीछ ने भी, अगर जानवर ने भी पकड़ा तो उसकी पकड़ उसके ऊपर में बैठती नहीं है। हमारे कमरपट्टा हमारे महिलाएं जो बांधती थी वो इस प्रकार का जो है सिर्फ आभूषण नहीं है, वो उनकी सुरक्षा कवच है। बड़े बड़े मुखौटे हमारे लोग पहनते थे, मुखौटे या हेडगियर भी पहनते थे, उसके पीछे में महज अच्छा दिखना नहीं है। जंगल की एक प्रकृति है, हर व्यक्ति हर जानवर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, चाहे पशु हो पक्षी हो या नाग सांप हो कोबरा,
फॉर एग्जाम्पल, तो अपने आप को जो है बृहत, अपने आप को बड़ा दिखाने की क्या वो हमारी कोई चाल तो नहीं थी शिकार के समय में? तो ऐसे कई सारे पहलू होते हैं, और भी एक बहुत सारा एक जो है, जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे लोग बलि प्रथा देते थे, ऐसा हम लोग सुनते हैं। बलि भी कौन सी? मानव की बलि देते थे, ऐसा हम लोग सुनते हैं। मुझे जब आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा इस चीज को और बड़े ध्यान से जब इसको ढूंढने की कोशिश करने लगा, तो मुझे उसका मतलब कुछ अलग ही नजर आया, क्योंकि हमारे संस्कृति का वो बिल्कुल भी अंग नहीं है। मनुष्य की बलि देना हमारे किसी भी संस्कृति में कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। फिर ये किंवदंती किस प्रकार से आई, और तब जब इसका मैंने खोजबीन करना शुरू कर दिया, तो मुझे ये समझ में आया कि वो एक वार्निंग था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के खंभे के नीचे लिखा रहता है खतरा, तो उस प्रकार की ये जो एक भ्रम लोगों के सामने में आंध्र के राजाओं ने या वहां के जमींदारों ने फैला के रखा था, जब वहां पर बाहरी लोगों का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा, बाहर के लोग वहां पर आकर जो है अंतर्गत चीजों का ऊपर में हस्तक्षेप करने लगे, तब लोगों को आगाह करने के लिए अंदर आओगे तो काटे जाओगे, और इस प्रकार से वो नरबलि की प्रथा जो है प्रचलित हो गई, और जिसके डर के कारण अंतर्गत भागों में बाहरी लोगों का आना जो है कम हो गया या रुक गया। तो ऐसे ऐसे मीनिंग जब हम लोग निकालते हैं इतिहासकार, तब हम लोगों की सोच बदल जाती है, क्योंकि हमारे लोग इतने निर्दयी नहीं हो सकते। जो इतने प्रगल्भ संस्कृति के जो मालिक है, वो व्यक्ति जो है इतना निर्दयता के साथ किसी व्यक्ति को नहीं काट सकता, लेकिन हाँ दुश्मनों को वो काट सकता था, क्योंकि वो राजा महाराजाओं से संबंधित था इस प्रकार के। तो ये सारे चीजें जो है हम लोगों को समझने की जरूरत है, जब हम लोग जब भी इतिहास को पढ़े, गहराई से इन सब चीजों को पढ़े, और उनके मतलब जो है हमारे चश्मे के हिसाब से हम लोगों ने उसको मतलब निकालना चाहिए, ना कि गैरों ने जो लिखा, क्योंकि ये गलती बार बार हुई है। आजादी के पहले मैंने जितने नाम गिनाए, इन लोगों ने वो गलत सलत जानकारी ट्रांसलेटर के पास से या यहाँ से वहां से इकट्ठा करके लिख डाली। उसके बाद में जब आजाद देश हुआ, तब भी पुराने लोगों को कॉपी कर बाकी लोगों ने उसके ऊपर में जस का तस लिख कर जो है बहुत बड़े पोथी पुराण उन लोगों ने लिख दिया। हम लोगों ने भी वही गलत काम किया। जब हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग जब इस प्रकार का संशोधन प्रारंभिक तौर पर कर रहे थे, तो यही सारी जानकारी जो इन लोगों ने हम लोगों को परोसा, उसी को हम लोगों ने जो है परोसा, और जिसके कारण हम लोगों ने भी वही गलत जानकारी लोगों के सामने में रखी। लेकिन अब हम लोग उसको सुधार रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, और ये बेहद जरूरी है। और इसीलिए भाई और बहनों, ये हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग गौरवशाली इतिहास के साक्ष्य तो है ही, लेकिन आज हम लोगों को बहुत सारा चिंतन और मनन भी करने की जरूरत है। जैसे राजाओं और महाराजाओं के बारे में मैं जब आपको बता रहा था कि हमारे राजाओं के पास में हाथी थे, घोड़े थे, सब कुछ था, महल थे, बावड़िया थी, कुएं थी, खेत खलिहान सब कुछ था, लेकिन आज हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि आदिवासी राजा से रंक कैसे बने। हमें यह सोचने की जरूरत है कि आदिवासी महलों से झोपड़ी में कैसे आ गए, आदिवासी हाथी घोड़ों से पैदल कैसे हो गए, आदिवासी सदन से निर्धन कैसे हो गए, मालिकों से नौकर वो कैसे बने, इन सब चीजों का हिसाब भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि समय के साथ में अपडेट्स हम लोगों को करनी पड़ेगी। सामाजिक क्रांतियां ऐसे ही नहीं होती, वैचारिक उद्भव भी इसी प्रकार से नहीं होता, उसको समय लगता है, बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है। और ऐसे समय में हम लोग जैसे कि बदलते वातावरण के साथ में बदलना और बदलते वातावरण की परिस्थितियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पढ़ना एकमात्र जो है बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे बच्चों ने, हमारी पीढ़ी के लोगों ने करना चाहिए। जब तक हम लोग अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, दुनिया किस प्रकार से सोचती है, कहाँ जा रही है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए, किसी समय में हमारे राजा लोग राज वस्त्र धारण करते थे, आज हमारे लोग लंगोटी पर किस प्रकार से आ गए। आदिवासी किसी समय में नागरी संस्कृति के प्रतीक थे, वो जंगलों में कैसे आ गए। ऐसे कई सारे सवाल जो है जिनके जवाब मेरे अकेले के पास में बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आज का जो हमारा जो भी दुश्मन है, वो हम लोगों से ज्यादा तकनीक जानता है, उसके वैचारिक पार्श्वभूमि हम लोगों से कई गुना ज्यादा है, सारी दुनिया का ज्ञान उस व्यक्ति ने अपने अंदर में समेट के रखा हुआ है, छल कपट से हम लोगों को पीछे धकेलते हैं, हम लोगों को तकलीफों में डालते हैं, और इसलिए हम लोगों को इस बदलते समय को समझना
बेहद जरूरी है। वक्त जोरों से बदल रहा है और इस प्रकार के बदलाव को अगर हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो हम लोगों का अस्तित्व फिर से खत्म हो जाएगा। और इसलिए आज हम लोगों के सबसे अच्छे बल क्या है? हमारे बल है, हम लोगों के पास में समृद्ध संस्कृति है, हम लोगों के पास में समृद्ध इतिहास है, हम लोगों के पास में जो है गोंडवाना लैंड नाम का एक प्राचीन भूमि है, हम लोगों की स्वयं की भाषा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे समाज आज भी है जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनकी अपने खुद का अस्तित्व नहीं है, ना उनकी खुद की भाषा है, ना उनके नाम का कोई लैंड है। हमारे पुरखों ने जो लैंड हम लोगों के लिए बनाया वो हमारी पहचान है, उसी से साबित होता है कि हम प्राचीन हैं और हम यहीं के हैं। इसलिए हम लोगों की संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी गोंडवाना लैंड या हमारी भाषा, इन चीज़ों का जतन समर्थन उतना ही करना जरूरी है जितना हम लोगों के लिए जिंदा रहना। और इसी पर हम लोग जो हैं, हम लोगों ने गर्व करना चाहिए। आज अमेरिका का एक बहुत बड़ा विद्वान जो है, नोएम चौकसी नाम का, वो कहता है कि आदिवासी जो है इस दुनिया में जो आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं, वो जो है बहुत सारे फैक्ट्रीज है, मशीन्स है, विकास है, इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध कर रहे, इसका मतलब वो इस धरती के संरक्षक हैं। इस धरती को वो लोग बचाना चाहते हैं, यहाँ के निसर्ग को वो बचाना चाहते हैं। जल जमीन का जो यहाँ पर बहुत बड़ा जो हनन किया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं, वो पृथ्वी को बचाने का संरक्षक की भूमिका पार कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग इस धरती के संरक्षक हैं, हम इसके विध्वंसक नहीं हैं। और इसलिए आज हमको क्या करना पड़ेगा? आज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना पड़ेगा, और इस प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा जिसमें, जैसे मैंने कहा, शास्त्रों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द जो है आज की दुनिया चलती है। तकनीक को समझना वो भी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब तक ये तकनीक हम लोगों के समझ में नहीं आएगी, हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे और समय के साथ हम लोग कहीं जो है दब जाएंगे। इस चीज़ को उतनी ही बारीकी से हम लोगों ने समझना चाहिए। मेहनत करने से कोई इंसान मरता नहीं है, और हमें भी हमारे समाज के लिए जो है मेहनत करना चाहिए। अगर हम लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, जिस दिन मेहनत करना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग खतरे में आ जाएंगे। और इसीलिए हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, हम लोगों का ये कहना है कि हमारे समाज में जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान ही हों। मैं तो आप लोगों से ही सीखा है, मैंने बताया कि गोंडवाना दर्शन के माध्यम से जितने भी जो है कार्यक्रम हुए उसमें से सारे वीडियोस में लगभग देख चुका हूँ, और इसलिए छोटी सी छोटी जानकारी भी जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि पिछले 3-4 साल के अंदर में, 5-6 साल के अंदर में मैं कई जगह जा चुका हूँ। मैं श्रीलंका गया था, वहाँ पर मैंने आदिवासियों की जो धार्मिक कल्पनाएं हैं या धार्मिक उनका जो स्वरूप है उसके ऊपर में मैंने पेपर प्रस्तुत किया था केलेनिया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में मैं अमेरिका भी गया था, वहाँ पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हम लोगों ने एक पैनल लड़ाया था और सुनहर सिंह ताराम जी को हम लोगों ने वहाँ पर प्रस्तुत किया था। टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन में, अमेरिका में, मैं खुद वहाँ पर जो है चेयरमैन भी था, और उसके बाद में फिर मैंने भी एक पेपर वहाँ पर प्रस्तुत किया था। और मैंने उस पेपर में ये लिखा था कि गोंडी भाषा जो है वो किस प्रकार से जो है संस्कृति का मापदंड है मध्य भारत में, और इसकी बड़ी तारीफ हुई थी। वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था और मैं वहाँ गया। इसके अलावा गोंडवाना दर्शन पत्रिका के ऊपर में एक पेपर मेरे ही सेशन में प्रेजेंट किया गया था, जिसमें ये समझाने की हम लोगों ने दुनिया को कोशिश की थी कि गोंडवाना दर्शन पत्रिका जो है किस प्रकार से कम्युनिकेट करती है, जोड़ती है विचारों से लोगों को, उनकी संस्कृति से। तो इसका बहुत बड़ा अहम मुद्दा जो है अमेरिका के व्यासपीठ के ऊपर में भी रखा गया था। आज इस हिसाब से आज जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, या फिर मैं आप लोगों से जो कुछ भी बातें कर रहा हूँ, कमेंट्स बहुत आया है मुझे मालूम है, मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड दिया हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है बहुत उपयोगी होगी आने वाली पीढ़ी के लिए, और मैं ये मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है जब आप लोग गोंडवाना के जो प्लेटफॉर्म के ऊपर में जब बोला जाता है तो कहते हैं कि इतिहासकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये आगाह कर दूं कि हमारे समाज के इतिहासकार जब तक उभर कर नहीं आएंगे तब तक आपके इतिहास को कोई लिखने वाला नहीं है। दूसरे किसी भी व्यक्ति की सहानुभूति आपके इतिहास के साथ में नहीं है, वह अपनी जिम्मेदारी के रूप में उसको नहीं लिखेगा।
उसकी प्राथमिकता कुछ और है, लेकिन अगर अपने समाज के लोग उभर कर आते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो उनकी जद्दोजहद अलग होगी, उनकी मेहनत अलग होगी। समाज को इतिहासकार बनाते हैं। मराठों का इतिहास जिन्होंने लिखा हुआ है, सरदेसाई है, राजवाड़े हैं, उससे पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन इन लोगों ने जब उसको लिखा, उसके बाद में मराठा समाज की अस्मिता सातवें आसमान पर और बुलंदियों पर है। हम लोगों का भी वक्त आएगा, और इसलिए आज जिस प्रकार से जरूरत है, इस व्यासपीठ के माध्यम से हम लोग कई सारी चीज़ों को जो है चर्चा में मैंने लाया हुआ है। मुझे मालूम है ये आज का जो विषय है थोड़ा बोझिल है, डल है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है हमारे पुरखों को समझना, और इसीलिए इस प्रकार के व्याख्यान बीच बीच में होना चाहिए। इतिहास यहीं पर नहीं रुकता, इतिहास इसके आगे में भी जाता है। हम लोग कहीं कम पड़ गए अपने लोगों को ये बताने के लिए, हम लोग इतिहास में उन लोगों के लिए उतना अच्छा स्मरण नहीं लिख पाए जो जिनका योगदान रहा हुआ है। हम लोग ये नहीं बता पाए कि हमारे राजा भी जो है वो मुगलों के समकालीन थे, अंग्रेजों के समकालीन थे, मराठों के समकालीन थे। हमारे राजा हर बार पराजित नहीं हुए हैं, कई लोगों को उन्होंने पराजित किया हुआ है। इतिहास सिर्फ पराजित का नहीं लिखा जाता, इतिहास जो है जेताओं का लिखा जाता है, विजेताओं का लिखा जाता है। हमारे लोग विजेता भी रह चुके हैं। हमारे लोगों ने केवल मुगलों के साथ में लड़ाई नहीं की, मराठों के साथ में की, अंग्रेजों के साथ में भी की। आजादी में इन लोगों ने भी जो है बलिदान दिया हुआ है, खून हमारा भी बहा हुआ है, लेकिन इस देश का जो कुछ भी इतिहास लिखा गया हुआ है, उसमें हम लोगों के लिए जगह बहुत कम दी गई है, और इसलिए हम लोगों को ये साबित करना पड़ेगा। अब जितने भी क्रांतियां हमारे यहाँ क्रांतिकारक पैदा हुए हैं, बहुत सारे क्रांतिकारक हैं। अभी बाबूराव शर्मा को ही ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी विस्मृति में मैंने एक और व्याख्यान दिया था। किस प्रकार के ये बंदे थे, पूरे देश में जो है अलग अलग प्रकार के हम लोगों को जो है क्रांतिकारक हम लोग पढ़ते हैं। ये क्रांतियां क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है क्योंकि जब अंग्रेजों ने जल, जमीन, जंगल जैसे हमारे संसाधनों के ऊपर में उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, उस समय में हमारे ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। ये वो स्वाधीनता संग्राम के पहले सिपाही थे जिनको उनका जो मिलना चाहिए, उनको वेटेज मिलना चाहिए था, वो किताबों में अभी नहीं मिला हुआ है। अंग्रेजों के साथ में अपनी जान की परवाह न करते हुए, अंग्रेज जो शक्तिशाली थे, जिनके पास में बंदूकें थी, जिनके पास गोला बारूद था, जिनके पास में तोपखाना था, उनके बीच में हमारे तीरंदाज लोग, है ना, बहुत कम संसाधनों से, पारंपरिक हथियारों के, जो कुछ भी होगा उनके पास में, कुल्हाड़ होगी उनके पास में, जो भी और साधन होंगे, बाण होगा, धनुष होगा, इसके आधार पर इन लोगों ने उतने बड़े साम्राज्य को टक्कर दिया। क्या ये कम बड़ी बात है? किस लिए? जल, जमीन, जंगल को जब उन लोगों ने हड़पने का काम किया, उसके अलावा हमारे क्षेत्र में ये लोग जो बहुत सारे व्यवसायिक आए, बहुत सारे ठेकेदार आए, बहुत सारे व्यापारी लोगों का प्रादुर्भाव जैसे हुआ, वो लोग हमारे संसाधनों को लूटने लगे, उनका विरोध करने के लिए इस प्रकार की क्रांतियां हमारे देश में हुई। वो एक अलग विषय है और बहुत बड़ा विषय है, जिसको आज मैं यहाँ पर रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए और बहुत लंबा वक्त लगेगा। और इसीलिए मैंने आज कोशिश किया है कि आज हम लोग जो इस मध्य भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें भी हम लोगों के पुरखाओं के बारे में जो जानकारी है, वो मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा था। मुझे मालूम है वक्त काफ़ी हो चुका है, और ऐसे वक्त में हम लोग जो है बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, जब सारी दुनिया जो है अलग प्रकार के माहौल में है। हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज दशहरा है, और इस दशहरा के समय में हमारे बहुत सारे समुदाय में जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ भी है, बहुत सारी कल्पनाएं हम लोग बनाए हुए हैं, और इसलिए उनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इतिहासकार के सामने में जब तक सत्य नहीं आता, कोई कागजात नहीं आती, कोई दस्तावेज नहीं आता, तब तक हम लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि इतिहास सबूत मांगता है, अदालत सबूत मांगता है, इतिहास सबूत मांगता है, और वो सबूत पैदा करना इतना आसान नहीं है। आज के दिन हम लोगों के कई सारे साथी जो है, हमारे बहुत सारे समाज बंधु जो है, कहते हैं कि रावण हम लोगों का राजा था, अगर था या है तो उसके जैसे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं है। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो धरती का ऐसा पहला व्यक्ति था जो सोने के महल में रहता था। वो धरती का ऐसा व्यक्ति था जो सारे प्रकार के ज्ञान का जो है भंडार था। वो अगर हमारा पुरखा है तो वो ऐसा व्यक्ति था जिसके पास में विमान की तकनीक थी, और उस दुनिया में
उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो आज के दिन हम लोगों ने क्या सीखना चाहिए? रावण की जैसी सघनता हम लोगों के समाज में भी आनी चाहिए, रावण की जैसी तकनीक को हम लोगों ने भी अपनाना चाहिए, रावण की जैसी विद्या हम लोगों ने भी जो है प्राप्त करनी चाहिए। शायद यही आज के लिए आप सभी लोगों के लिए मैसेज होगा, और मैं भी यहीं पर जो है रुकना चाहूँगा। आप लोगों के कई सारे सवाल मुझे मालूम है, कुछ आप लोग जो है जानकारी जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछा है, बहुत सारी जानकारी आपने साझा की है। मैं आप सभी लोगों का और गोंडवाना दर्शन के सभी जितने भी टेक्निकल टीम हैं उन सभी का जो है पुनः मैं यहाँ पर जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उषाताई, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ कि जिस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व आप कर रही है उस पीढ़ी को सच में सैल्यूट करना चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है और पूरे गोंडवाना और पूरे भारत को जो है जोड़ने का और गोंड समुदाय को एकत्रित कर एक ऐसे मंच पर आपने लाया हुआ है जिस मंच की मैं चर्चा आज कर रहा था। बौद्धिक समाज की मैं बात कर रहा हूँ, और इसीलिए जिस प्रकार का मंच आपने हम लोगों को दिया हुआ है आपके बहुत बड़े हम लोग आभारी हैं।